नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल वी ओवरसीज। दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था मशरूम के लिए, जिसमें फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं, कपल भी अप्लाई कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ही फीमेल के लिए हमारे पास में कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं आई थी पहले। अभी हमारे पास में फीमेल के लिए रिक्वायरमेंट है, इसमें मशरूम के लिए जिसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया था, उस रिक्वायरमेंट के लिए अभी हमारे पास में 5 लोगों की रिक्वायरमेंट और है, अभी कंप्लीट नहीं हो पाई। मैं बीच में मेडिटेशन के लिए गया था, उस टाइम पर ये चीज़ पे थोड़ा सा स्लो मोड पे काम हुआ था। तो पॉइंट ये है कि अभी हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है 5 लोगों की, उसके लिए हमारे पास में लगभग आज जैसे 16 तारीख है, ये मान लीजिए कि लगभग 21 से 22 तारीख तक हम इसमें सबमिशन कर सकते हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो उसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास में रिक्वायरमेंट अभी है, बाकी टर्म्स एंड कंडीशन सेम है। सैलरी 3010 रहेगी बेसिक, और ओटी अलग से रहेगा। जो अर्निंग रहेगी, मंथली अर्निंग 3000 जैसे बेसिक है, और अर्निंग की बात करेंगे तो 4-5 हज़ार के लगभग की अर्निंग उनकी हो सकती है पॉलिश्ड रोटी में। और इसमें से जो अभी रिक्वायरमेंट है टोटल 20 का, एक साथ एप्लीकेशन होने वाला है। और इसमें से जिन लोगों ने जो अभी प्रोसेस के लिए अभी अप्लाई किया, जैसे जो एक कंपनी की तरफ से हमारे पास में जो फीडबैक आया था कि लोगों की इनकम होती है ना, वो 5-6 हज़ार नॉर्मल होती है, कभी 7 हज़ार भी हो सकती है, डिपेंड करता है। कोई बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल होते हैं, बहुत फास्ट काम करने वाले लोगों के लिए ये इनकम हो सकती है। 4-5 हज़ार की इनकम तो नॉर्मल है, वहाँ पर हर कोई वहाँ पर अर्न कर सकता है। वहाँ पर आप जितना अच्छा आउटपुट देंगे उसके हिसाब से सैलरी बनती है। सो दोस्तों, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी हमारे पास में 4-5 दिन का टाइम है, इसमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट एक्चुअली अभी ये रिक्वायरमेंट काफ़ी लंबे समय के बाद में आई थी, और अभी इसके ऊपर जैसे सीजन के हिसाब से देखा जाए तो जैसे जैसे सीजन होता है ना, अभी सर्दी का टाइम है, गर्मी का टाइम है, तो ये मान लीजिए कि अभी ये जो मशरूम वाला काम है, इसके लिए जो प्रोसेसिंग टाइम होने के बाद में विंटर जैसे फिनिश होगा लगभग उसके बाद में, इसमें जो वीजा अप्रूवल वाला पार्ट है डेफिनेटली इसके लिए आने वाला है। जैसे आज के डेट पर देखा जाए तो ट्रेड प्रोफाइल्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर का वीजा ज़्यादा लग रहा है। वैसे ही हमें उम्मीद है कि जैसे भी स्नोफॉल्स का इफेक्ट खत्म होने लगेगा, उसके बाद से फिर इसका भी एक काफी फास्ट प्रोसेस रहेगा। सो दोस्तों, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, सेम टर्म्स एंड कंडीशंस, मेल फीमेल दोनों, मेडिकली फिट, 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज होना चाहिए, इंग्लिश बेसिक इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग और बोलना आना चाहिए, और बाकी पीसीसी निकल जाना चाहिए, पासपोर्ट में लगभग 2 साल की वैलिडिटी होना चाहिए, मेडिकली फिट, फिजिकल फिट, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर सकें, इतनी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो लोग डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास में 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है, बाकी सबको सेम टू सेम, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, टीम को कॉन्टेक्ट करें, ऑफिस विजिट करें और अपने एग्रीमेंट फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करें। एंड एप्लीकेशन के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है, जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हमारे तरफ से दिए जाएंगे, जैसे अपने सर्टिफिकेट को अपस्टल कराना है, बाकी चीज़ों को करना है, वो सारी चीज़ों के लिए हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे, और आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट है अर्जेंट है और समय अभी उसमें कम है, जैसे भी ये फुलफिल हो जाएगी उसी दिन हम इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद वाला बैच का जैसे होगा वैसे हम आपको अनाउंसमेंट करेंगे। अभी फिलहाल जो सबमिशन करने वाले हैं उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, 5 लोगों की आवश्यकता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोज को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।